नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन के आह्वान के बाद अग्निपथ योजना के विरोध में आज जनपद शामली के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना जो लागू की गई है उसको तत्काल रूप से वापस लिया जाए, क्योंकि यह योजना नौजवानों के हितों में नहीं है। आपको बता दें कि जनपद शामली में आज कलेक्ट्रेट परिसर पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन के आह्वान के बाद अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रोकी गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। अपनी इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के आह्वान के बाद सैकड़ों की तादाद में किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह ने कहा कि सरकार जो अग्निपथ योजना को लेकर आई है वो समाज के हित में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना को देश की सुरक्षा के लिए भी नुकसानदायक बताया। बाबा श्याम सिंह ने आरोप लगाया कि ये विदेश की नीति थी, जिसे हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के युवाओं पर थोप दिया। आज धरना जो दिया जा रहा, ये नौजवानों के उसमें दिया जा रहा, जो भारतीय सेना में भारत सरकार ने करा अग्निपथ योजना लाई, वो बहुत ही खराब है। वो ना देश के हित में है, ना नौजवान के हित में है, क्योंकि जो 4 साल की में कह रहे, इसमें जो है 17 साल का जाके 21 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या करेगा भाई वो जो पहली, जो हमारी पहली स्कीम थी, जिस तरीके से हमारी सेना काम कर रही थी वो बहुत बढ़िया थी। 16 साल की नौकरी थी उसमें, और उसमें सब कुछ देश पर न्योछावर करा था अपना नौजवान जाके। अब 4 साल में क्या करा, कुछ नहीं। तो उसी के तहत उसमें हमने भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने आह्वान करा था कि पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, और जवान का और किसान का एक संबंध है, उसके हक लड़ाई में आज किसान भड़का गया रहा। ज्ञापन में और क्या मांग है आपकी? मांग तो ये है, तुरंत यह स्कीम वापस ली जा, नौजवान को भाई रोजगार दिया जा, जो पिछले 2 साल से भर्ती पेंडिंग थी उन्हें जारी करा जा। मामला तो यू है, सरकार जो यू अग्निपथ का जो मामला लाई, यू समाज के हित में भी, भाई बच्चों के हित में भी, देश के हित में भी नुकसानदायक है। यह विदेश की नीति थी। हमारे जो देश के नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने जो योजना लागू करी, इससे तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सीमा पर भी असर पड़ेगा, देश पर भी असर पड़ेगा, और बच्चों पर भी असर पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए था कि जो भर्ती चल रही थी, भाई थोड़ी थोड़ी भर्ती निकालते रहते और जनता के बच्चों को लेते रहते। उसमें किसान के बच्चे हैं, उसमें मजदूर के बच्चे हैं, उसमें हर वर्ग के बच्चे हैं। कोई यही तो है नहीं कि किसान किसान के बच्चे नहीं, हर वर्ग के बच्चे हैं। उनका सबका भविष्य 4 साल के ऊपर डिपेंड कर दिया। एक कहावत है, अक ना तो ब्याया रहा और ना कवारा रहा। भाई 4 साल में बच्चा क्या कर लगा, कुछ नहीं कर सकता। विदेश की नीति, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता, उन्होंने देश के ऊपर क्यों थोप दी? भाई विदेश में तो कमी थी, जनसंख्या कमी थी, यहाँ तो कमी नहीं थी। भर्ती वो भर्ती निकाल लो, पूरी होंगी, देश की सुरक्षा भी होगी, सीमा की भी सुरक्षा होगी, और बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल होगा, भविष्य को नौकरी मिलेगी। आज ये जो धरना प्रदर्शन जो कराया जा रहा, जो संयुक्त मोर्चे के हिसाब से कराया जा रहा, उन्हीं के आह्वान पर ये चल रहा, पूरे भारत में ये चल रहा। आज सभी मुख्यालयों पर जनता के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाए। हलचल इंडिया को लाइक सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।